यस आई थिंक गदर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे लिए. जब मैंने साइन किया था मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ जब सब हो गया था. बट इतना मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था. बिकॉज इन पास्ट 20 ईयर्स मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज़ देखा नहीं है पर्सनली. तो आज जब मूवी रिलीज होगी और इतना क्रेज़ हो गया है मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है. एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है दैट्स फॉर द सॉन्ग. किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी आज से बहुत साल पहले और वो सेम चीज़ हमें इतने सालों बाद देखने मिली है. तो आई थिंक मैम थैंक यू. मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी मतलब मैम थैंक यू मैम. जी कैसे बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है. जी लड़कियों में सबसे बड़ी बात एक ही बात पूछी जाती है गदर को क्या टक्कर देगी. तो सबका ये जवाब था कि गदर का अपना अलग टोन है अलग जोश है. जरूर ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर 2 की सबसे बड़ी जो का सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा. तो इसलिए इतने साल भी लग गए कहानी को ढूंढने में एक सही कहानी मिले एक सही एक सही प्लेटफॉर्म मिले. जो किरदार हैं तारा सकीना जीते और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद इकबाल और मुस्कान इन सब के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म हो. तो गदर 2 की जो कहानी थी हमें लगा कि हम उसी तराजू पे तोल सकते हैं और गदर का जो ब्रांड है हम उसे एनकैश नहीं करना चाहते. हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे. तो आई थिंक गदर 2 ने ये कर दिखाया है और करते जा रही है अभी भी. आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में. आज भी टिकट नहीं मिल रही है तो ये बहुत प्यार है ऑडियंसेस का. ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन सारे क्रू की और सारे एक्टर्स की जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं. और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था तो उसमें जो मीडिया भी जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है. सो थैंक यू एवरीवन सो मच.